जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और अपने परिवार में स्टडी 24 विवेक पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम प्रीवियस जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम चलेंगे आज के अपने प्रैक्टिस करने वाले हैं। बहुत धांसु क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम यहाँ पे करेंगे और वहां से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि हम प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, तो जो लोग हमारे नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, उनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि पिछले वाला जो प्रीवियस वीडियो हुआ है हमारा, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक होता है वो हमने सीखा था। और आज के हम अपने सेशन में करने वाले हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम ओरिएंटेड और जो फ्यूचर में जिस टाइप में देखने को मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो ज्यादा देर ना करते हुए चले हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन और करते हैं बेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ से, और जहां से सीखने को मिल सकता है वहां से तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहां से ज्यादा सीखें। और हाँ, अगर आपको इसमें प्रैक्टिस कराए हुए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी एक चांस मिले अच्छा कंटेंट पढ़ने की। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कम टाइम में कैसे करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे कुछ ये बातें कही गई हैं कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं, यदि ए प्लस बी काम का 60% भाग करते हैं और उतने ही समय में बी प्लस सी उसी काम का 70% भाग कर सकते हैं तो तीनों में से सबसे कुशल कौन है ये आपको बताना है। कुशल कौन है मतलब किसने ज्यादा वर्क किया है सेम टाइम में, वो आपको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करने वाले हैं, इसमें हमें काम ना दे करके बताया उसका पार्ट दे रखा है, उसका परसेंटेज दे रखा है कि इतना परसेंट ये करता है, इतना परसेंट ये करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है और कैसे करना है वो हम सिखाएंगे। ठीक है, तो बोर्ड पर ध्यान देंगे यहाँ पे। जैसा कि हमसे कहा गया है ए प्लस बी काम का कितने परसेंट भाग करते हैं तो 60% डन करते हैं एक समय में, यानी हम अगर 60 को लिखना चाहें, ये अभी परसेंटेज में है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ये 3/5 कैसे लिख दिया है सर ने, तो जब 60% है, जैसे यहाँ पे 60% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा 3 से और ये कट जाएगा 5 टाइम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी काम का कितना हिस्सा कर रहे हैं 3/5 कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ बी और सी को देखें तो 70% कर रहे हैं, तो बी प्लस सी कितना कर रहे हैं तो वो 70% कर रहे हैं, और 70% को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 7/10 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइन पे जरा फोकस करो, ए प्लस बी और सी यानी तीनों मिलके काम करते हैं, जब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो वो काम कितना होगा अपने में 100% होगा कि नहीं होगा। अब 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं 1 यूनिट, यानी उसका पूरा पार्ट काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारे 2 ही क्वेश्चन है, अगर इनको प्लस कर देंगे तो इस टाइप बनेगा कुछ, ए यहाँ बी 2 बार है तो हम लिख लेंगे 2b + c, इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 3/5 + 7/10। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा, ये 13/10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ देखो यहाँ पे बी क्या आ रहा है, एक बी एक्स्ट्रा है, इस वाली क्वेश्चन से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है एक बी एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से पूरा ये माइनस कर देंगे तो हमें बी की क्या पता चल जाएगा कि बी कितने पार्ट कर रहा है। ठीक, तो इसमें से क्या करते हैं इसको माइनस कर देते हैं, यानी अगर हमें बी निकालना है तो क्या करेंगे इसमें से यानी इस पार्ट से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो 13/10 इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो बी कितना निकल के आ जाएगा, हमारा बी निकल के आ जाएगा 3/10। ओके, अब देख सकते हैं हम अगर बी निकाल चुके हैं तो क्या ए नहीं निकाल सकते, यहां पर रख देंगे, यानी यहां पर रख देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा
ए बराबर क्या हो जाएगा, ये बी उस तरफ जाएगा तो 3/5 माइनस, यानी बी का पार्ट ये है 3/10। ओके, यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और नीचे 10 रहेगा। ठीक, यानी ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि बी कर रहा था। ठीक है, ए भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि बी कर रहा था। अब हमें देखना है कि सी कितना काम कर रहा है। तो सी की क्या है, ये जो बी हमें दे रखा है, बी और सी का रिलेशन यहां भी दे रखा है ये। ठीक है, तो यहां पे हम अगर बी की वैल्यू रख दें तो सी की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, तो रख देते हैं भाई। तो ये कितना है, 3/10 है प्लस सी इक्वल टू कितना है, 7/10। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करेंगे उस तरफ लेते जाएंगे तो सी इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे सी इक्वल टू बन जाएगा 7/10, ये इधर आएगा माइनस का 10 और 3/10। यहां से जब हम देखेंगे तो सी कितना पार्ट कर रहा होगा, 4/10, यानी सी हमारा कर रहा है, सी कर रहा है 4/10 पार्ट उसी काम का। ओके, बी कर रहा है 3/10 और ए कर रहा है 3/10। तो सबसे ज्यादा कौन सा जो मेंबर है वो काम कर रहा है, तो हमें यही दिख रहा है कि ये जो 10 का 4th पार्ट कर रहा है, बाकी सब 10 के 3/3 पार्ट कर रहे हैं। तो कौन सबसे कुशल होगा, तो ऑप्शन में जो सी दे रखा है, यानी जो सी बंदा है वो सबसे कुशल है काम में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी इसके अकॉर्डिंग सी ही सही हो जाएगा। ठीक,